मुझे क्या हो गया है, मतलब पहले नए नए नॉवेल्स पढ़ने की मुझे चुल रहती थी, बट अब ना पुराने नॉवेल्स पढ़ने की चुल हो गई है। तो एक नॉवेल है जो बंगाली में लिखी हुई थी 19वीं शताब्दी में, चरित्रोहीन, अगर बंगाली प्रोनाउंसिएशन हम करें तो ये होगा चरित्रोहीन। मुझे बंगाली तो नहीं आता बट शायद ये मैं सही बोल रहा हूँ। और ये 1917 में लिखी गई थी बंगाली में ही, और इसके लेखक है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ये वही है जिन्होंने देवदास लिखा, और जिस देवदास मूवी तो आप लोग जान ही रहे होंगे, जो इतना मतलब मैंने देवदास देखी है और मतलब कहीं मज़ा आ जाता है लाइक। तो मुझे जब ये नॉवेल मिली तो मैं सोचा क्यों ना पहले राइटर के बारे में जाना जाए, और जब पता चला कि देवदास इन्होंने ही लिखा था तो सोचा अब तो ये पढ़ना बनता है भाई, चाहे कुछ भी हो। तो मैं चरित्रहीन का हिंदी वर्जन जो है वो लाने वाला हूँ, ये पार्ट वन है, एंड अगर इस पे मुझे लगा कि रीच अच्छी है तो मैं नेक्स्ट पार्ट भी लाने की कोशिश करूँगा। कोशिश क्या, मैं लाऊँगा ही अगर रीच अच्छी रही तो। इससे पहले मैंने गुनाहों के देवता, जो धर्मवीर भारती की नॉवेल है, वो पढ़ी, बट भाई 50 व्यूज़ भी नहीं जा रहे हैं 6-7 दिनों में, तो वो मुझे डिमोटिवेट करता जा रहा है। पता नहीं मेरे चैनल के रीच को क्या हो गया है, बट ठीक है, व्यूज़ ना आए तो अलग है, खुद के लिए ही पढ़ लूँगा। और यह है पार्ट वन। पश्चिम के एक बड़े शहर की बात है, शीत ऋतु आना ही चाहती थी। परमहंस रामकृष्ण के एक शिष्य किसी अनुष्ठान के लिए सहायता पाने के आशा से चंदा इकट्ठा करने आए हुए थे। उनके उपदेश के लिए एक बड़ी सभा बुलाई जाए और उसका सभापति उपेंद्र बाबू को बनाया जाए, इसी प्रस्ताव को लेकर प्रातःकाल कॉलेज के छात्रों का एक समूह उपेंद्र के घर जा पहुँचा। उपेंद्र ने पूछा, पर कौन सा सदनुष्ठान है, जरा मैं भी तो सुनूं। छात्रों ने कहा, यह तो अभी मालूम नहीं हुआ है, स्वामी जी ने उसे केवल इतना ही कहा है कि सभा में ही उस विषय के विस्तार से समझाएंगे, इसलिए सभा बुलाई जा रही है। उपेंद्र ने कोई और प्रश्न नहीं किया, वे सहमत हो गए। ऐसा करना उनके स्वभाव का एक अंग ही बन गया था। विश्वविद्यालय की परीक्षाएं उन्होंने ऐसे सम्मान के साथ पास की थी कि विद्यार्थी समाज उनको बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखता था, इसे वे भी जानते थे। इसी से किसी भी काम काज के आ पड़ने पर उपेंद्र मोहवश उनके अनुरोध टाल सकते थे। विश्वविद्यालय की सरस्वती के कृपा पात्र होने के बाद कचहरी की लक्ष्मी की सेवा में लग जाने पर भी बच्चों के जिम्नास्टिक के अखाड़े से लेकर फुटबॉल, क्रिकेट और डिबेटिंग क्लब तक के उच्च स्थान पर उन्हें ही बैठना पड़ता था। पर आज लोग जिसे सभापति का प्रस्ताव लेकर आए थे उसमें जाकर सभापति के आसन पर चुपचाप बैठ जाना तो नहीं था, कुछ ना कुछ बोलना अवश्य था। एक आदमी की ओर संकेत करके बोला, अरे भाई सभा में कुछ बोलना तो पड़ेगा ही, किसी सभा के उद्देश्य के संबंध में बिल्कुल अंधकार में रहकर उसका सभापतित्व करना क्या अच्छा होगा, मैं तो ठीक नहीं समझता, तुम्हारा क्या विचार है। उनका प्रश्न बहुत ही उचित था, लेकिन उनमें से किसी को कुछ पता ना था। बाहरी आंगन में फूलों से लदे हुए एक पुराने उड़हुल के वृक्ष के पास विद्यार्थियों का वह दल उपेंद्र के मध्य में बैठा कर जब संसार के सब स्वदानुष्ठानों और सत्कार्यों की सूची बनाने में रत था, उसी समय दिवाकर के कमरे से एक आदमी ने चुपचाप सबकी आंखें बचाकर बाहर निकलना चाहा। दिवाकर उपेंद्र का ममेरा भाई है। बचपन में माता पिता का देहांत हो जाने के कारण मामा के ही घर पला था। बाहर एक छोटी कोठरी थी, उसमें दिन को पढ़ता और रात को सोता था। आयु 19 वर्ष की थी, FA पास कर BA में पढ़ रहा था। उपेंद्र की दृष्टि इस कन्नी काट कर भागने वाले पर पड़ते ही उन्होंने पुकार कहा, सतीश खूब चुपके चुपके भागे जा रहे हो, इधर आओ, इतने दिन कहाँ थे भाई। संकोच दूर कर सतीश ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ नहीं था,
इलाहाबाद चाचा के यहाँ गया था। वह कुछ और कहना ही चाहता था कि इतने में एक फ्रेंच कट दाढ़ी और अल्बर्ट फैशन के बालों वाला चश्माधारी युवक एक आँख मीच कर और दांतों को बाहर निकाल कर बोल उठा, क्यों, क्या आपके मन को कुछ गहरी चोट लगी है? इस साल भी वह एंट्रेंस नहीं भेजा गया था, यह बात सभी जानते थे। इसी से वह बात बड़ी भद्दी और बेढंगी लगी। सबने लज्जा से सर नीचे कर लिया। उसका यह व्यंग तीर किसी को भी अच्छा ना लगा। कहीं से जरा भी सहारा ना पाकर चुटकी लेने वाले को चुप ही हो जाना पड़ा। पर सतीश ने उसके बदले मुस्कुराते हुए कहा, भूपति बाबू, जिसके मन होता है उसे ही चोट भी लगती है, पर पास करने की आशा कहिए या इच्छा, मैंने तो सभी छोड़ दी है। जब अपना होश संभला, केवल पिताजी नहीं छोड़ सकते थे। इसी से यदि मानसिक कलेश के कारण किसी के घर बार छोड़ने की आवश्यकता थी तो उन्हीं को थी, पर वे तो आनंद से बैठे वकालत करते हैं। मगर भैया उपेंद्र चाहे जो कहिए, अब की उनकी भी आंखें खुली है। सबके सब हंस पड़े। वैसे इसमें हंसी की कोई बात न थी, लेकिन भूपति बाबू की भद्दी हंसी सतीश बाबू का मन नहीं दुखा सकी। इससे सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। उपेंद्र ने पूछा, तो इस बार तुमने पढ़ना लिखना बिल्कुल त्याग दिया है? सतीश ने कहा, मैंने उसे पकड़ा कब था जो आज छोड़ दिया। सच कहता हूँ भैया, मैंने किसी दिन लिखने पढ़ने के झमेले को मोल लेना नहीं चाहा, और अब तो उस बवाल से मेरा पिंड एकदम ही छूट गया है। अब ऐसे स्थान पर जाकर रहूँगा जहाँ स्कूल पाठशाला का नाम निशान तक ना हो, उपेंद्र ने कहा। लेकिन कुछ तो करना चाहिए, आदमी बिल्कुल बेकार नहीं रह सकता, और ना बेकार रहना उचित ही है, सतीश ने कहा। नहीं, बेकार नहीं रहूँगा, इलाहाबाद से एक नया विचार लेकर आया हूँ। एक बार अच्छी तरह से प्रयत्न करूँगा, देखूँगा कहाँ तक सफलता मिलती है। वह कौन सा विचार लेकर आया है, यह सुनने के लिए सब उसके मुंह की ओर देखने लगे। यह देख वह लज्जा से सिर नीचे कर बोला, मेरे गांव में मलेरिया के ही समान हैजा भी भीषण रूप से फैला मिलता है। कभी कभी तो 5-7 गांव तक मैं एक डॉक्टर नहीं मिलता। मैं वहां जाकर होम्योपैथिक डॉक्टरी शुरू कर दूंगा। मेरी माँ मृत्यु के पहले कई हजार रुपये दे गई है, वे रुपये मेरे पास ही हैं। उन्हीं से अपने घर पर एक डिस्पेंसरी खोल दूंगा। भैया हंसी की बात नहीं है, तुम देखते रहना, मैं अवश्य करूंगा। पिताजी को भी मैंने मना लिया है। उनसे मैंने कहा है कि दो महीने के बाद कलकत्ते जाकर होम्योपैथी स्कूल में भर्ती हो जाऊंगा। उपेंद्र ने पूछा, दो महीने बाद क्यों? सतीश ने कहा, कुछ काम है। दक्कन टोले के नाव नाट्य समाज में जो कुछ आदमियों ने निकाल कर एक पृथक दल स्थापित किया है, हमारे विपिन बाबू उसके मुखिया है। तार पर तार भेजकर उन्होंने ही मुझे बुलाया है। मैंने उन्हें वचन दे दिया है कि उनकी कंसर्ट पार्टी का पूरा प्रबंध कर करा के ही मैं दूसरे किसी काम में हाथ डाल सकूंगा। यह सुनकर सभी जोर से हंस पड़े। सतीश भी हंसने लगा। जब हंसी का फवारा कुछ धीमा पड़ा तब सतीश ने कहा, बंसी बजाने वाले की कमी थी, उसी के लिए दिवाकर के पास आया था। यदि वह थिएटर की रात काम चला दे तो फिर मुझे अधिक भटकना ना पड़े। उपेंद्र ने पूछा, वह क्या कहता है? सतीश ने कहा, कहेगा क्या, परीक्षा का रोना रोता है। मेरी समझ में नहीं, यह बात नहीं आती कि लोगों की 2 साल की पढ़ाई एक ही रात की लापरवाही में कैसे नष्ट हो सकती है। मैं तो कहूँगा कि वास्तव में जिनकी पढ़ाई एक रात में नष्ट ना होती, उनको पढ़ना लिखना छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार पास होने में जो मन समझते हो, समझे, मैं तो कुछ नहीं समझता। भैया तुम अप्रसन्न नहीं होगे, मैं तुम्हें जितना जानता हूँ उसका चौथाई भी ये लोग नहीं जानते। जिम्नास्टिक के अखाड़े से लेकर फुटबॉल और क्रिकेट के मैदान तक बहुत दिन तुम्हारा शिष्य रहा हूँ। तुम्हारे साथ साथ घूमकर बहुत दिन बहुत प्रकार तुम्हारे समय नष्ट ना होते देखा है। बहुत सी परीक्षाएं देते भी तुम्हें देखा है, भली भांति पास कर छात्रवृत्ति पाते भी देखा, लेकिन किसी दिन तुम्हें परीक्षा की दुहाई देते नहीं देखा।
उपेंद्र ने बातों के सिलसिले को यहीं समाप्त करने की इच्छा से कहा। लेकिन सतीश, मैं तो बंसी बजाना नहीं जानता। सतीश ने कहा, मैं भी कई बार सोचता हूँ कि तुमने इस कला को नहीं सीखा, इसका मुझे बहुत आश्चर्य होता है। खैर, यह तो बताओ कि तुम्हारी इस दोपहर की सभा का उद्देश्य क्या है? जाड़े की धूप पीठ तो सह सकती है, पर सबने सिर पर चादर लपेट रखी थी। दिन कितना चढ़ चुका है और किसी को भी ध्यान नहीं था। सतीश की बात सुन समय की ओर देखा, सबके चौंक कर उठ के खड़े हो गए। चलने के पहले भूपति ने पूछा, हाँ तो उपेंद्र बाबू क्या कहते हो? उपेंद्र ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन स्वामी जी का उद्देश्य यदि पहले से ज्ञात हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। बिल्कुल मूर्ख के समान कही जाती संकोच सा होता है, भूपति ने कहा। लेकिन उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, बताया ही नहीं, बल्कि कहा कि जटिल और दुबोध विषय को जब तक भली बाती समझकर कहने का अवसर ना मिले, तब तक उस विषय में कुछ ना कहना ही अच्छा है। इसका परिणाम अच्छा ना होकर अधिकांश अवसरों पर ठीक नहीं होता। चलते चलते बातें हो रही थी, सब लोग बाहर आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। सतीश ने पूछा, आखिर बात क्या है भैया? उपेंद्र को रोककर भूपति ने कहा, सतीश बाबू, आपको भी चंदे की लिस्ट में नाम लिखना पड़ेगा। आपके प्रश्न का उत्तर इस समय हम लोग ठीक ठीक नहीं दे सकेंगे। परसों संध्या समय कॉलेज हॉल में आइएगा, वहीं स्वामी जी स्वयं सब बातें बतलाएंगे, सतीश ने कहा। तो भूपति बाबू, मैं समझने की बाज आया, परसों हम लोगों का पूरा रिहर्सल होने वाला है, मेरे रहे बिना काम नहीं चलेगा, भूपति ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा। आए, आप क्या कहते हैं? नाटक थिएटर का एक साधारण सी हानि के भय से आप ऐसे महान कार्य में सहयोग नहीं देंगे? भाई, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? सतीश, लोग तो बिना सुने भी बहुत कुछ कहा करते हैं। औरों की बात जाने दीजिए, आपने को देख लीजिए, बिना जाने बुझे इस अनुष्ठान को आप लोग व्यर्थ में ही कितना महत्व दे रहे हैं। यदि मैं उतना महत्व ना दे सकूं, तो क्या मैं इसके लिए दोषी करार दिया जा सकता हूं? मैं तो जो जानता हूं, जिस समय की भलाई बुराई को समझता हूं, उसकी अपेक्षा करके उसको नष्ट करके एक अनिश्चित काल्पनिक महत्व के पीछे दौड़ना पसंद नहीं करता। उपस्थित छात्र मंडली में आयु और शिक्षा के विचार से भूपति बाबू ही सबसे बड़े थे, अतः वे ही बातें कर रहे थे। सतीश की बात पर हंसकर वे बोले, सतीश बाबू, स्वामी जी जैसे महान व्यक्ति अच्छी ही बात कहेंगे, उनका उद्देश्य अच्छा ही होगा, इस पर विश्वास करना तो कुछ कठिन काम नहीं है। सतीश ने कहा, माना कि किसी के लिए कठिन ना हो, देखिए मैट्रिक पास करना कोई कठिन नहीं है, फिर भी पास करना अलग रहा। 3-4 साल से मैं उसके पास तक फटकता नहीं सका। अच्छा, यह तो बताइए कि आपने स्वामी जी के पहले कभी देखा है अथवा इसके संबंध में कुछ सुना है? सब ने अंगीकार किया कि कोई कुछ नहीं जानता। सतीश ने कहा, गेरवे वस्त्र के सिवा उसके पास कोई और भी सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी आप लोग उसके पीछे मदमत हो रहे हैं। मैं अपना काम बिगाड़कर उनका भाषण सुनना नहीं चाहता, इसलिए आप मुझ पर व्यर्थ क्रोध कर रहे हैं, भूपति ने कहा। सतीश बाबू, क्यों नाहक पागल हो रहे हैं? इन गेरवे कपड़े वालों ने संसार को बहुत कुछ दिया है। खैर, आप इसमें योगदान देना नहीं चाहते हैं, इसमें अप्रसन्न नहीं हूँ, केवल मुझे दुख है कि संसार की सारी चीज़ें सफाई और गवाही के साथ लेकर नहीं आती, इसलिए यदि उन्हें व्यर्थ समझकर छोड़ दिया जाए तो हमें बहुत सी चीज़ें से वंचित रह जाना पड़ेगा। अतः अच्छा, आप ही कहिए, जब संगीत में सारे गामा माधा, तो आपको उसमें कितना रास मिलता है, उसकी कितनी भलाई बुराई समझते थे? सतीश, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि यदि संगीत का कोई उन्नत आदर्श मेरे सामने न होता, यदि मधुर रसास्वादन की आशा मुझ में ना होती, तो इतना कष्ट उठाकर सारे गामा कभी नहीं साधता। वकालत में अगर आपके रुपये की इतनी तेज गंध ना मिलती, तो एक बार फेल होकर ही आप उसके प्रयत्न से बाज आते। बार बार ये जी तोड़ परिश्रम कर कानून की पुस्तक कभी न रटते। संभव था कि उपेंद्र भैया भी
इतने दिनों तक किसी स्कूल की मास्टरी पाकर संतुष्ट हो गए होते। उपेंद्र हंसने लगा, पर भूपति का मुंह लाल हो गया। ईंट का उत्तर मशीन गन से दिया गया था, यह बात उपस्थित थी सभी लोग समझ गए। क्रोध दबाकर भूपति ने कहा, आपके साथ तर्क करना व्यर्थ है। आप शायद यह नहीं जानते कि किसी वस्तु की भलाई बुराई कितनी प्रकार से सिद्ध हो सकती है। बातों ही बातों में सब लोग धीरे धीरे सड़क किनारे बैठ गए। सतीश खड़ा हो गया और हाथ जड़कर बोला, भूपति बाबू क्षमा कीजिए, 6 प्रकार के प्रमाणों और 36 प्रकार के प्रत्यक्षों की चर्चा स्त्री धूप में नहीं सही जाएगी। इससे अच्छा तो यह हो कि आप शाम के बाद बाबूजी के बैठक में पधारें, वहाँ आधी रात तक वाद विवाद कर सकते हैं। वहाँ नित्य ही प्रोफेसर नवीन बाबू, प्रधान गोविंद बाबू और पुरोहित जी तक इसी प्रकार के विषयों पर आधी रात तक तर्क वितर्क किया करते हैं। उसका बगल वाले कमरे में मैं रहता हूँ। तर्क वितर्क के दांव पेच और दार्शनिक चालों की बातें सुनते सुनते मेरे कान पक से गए हैं। कानों के साथ साथ मेरे ऊपर भी कुछ कुछ रंग चढ़ने लगा। आप पर असमय में पककर और पृथ्वी पर टपक कर मैं सियार और कुत्तों के पेट नहीं जाना चाहता, इसलिए इस विषय को छोड़कर यदि कुछ कहना है तो कहिए, न तो आज्ञा दीजिए चलूं। सतीश के हाथ जोड़कर बिंदा मांगने का ढंग देखकर सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। भूपति बाबू जले हुए थे, सबकी इस हंसी ने मानो उन पर नमक डाल दिया। क्रोध के मारे तर्क की डोर हाथ से जाती रही और जो मुंह में आ गया कह गए, तो देखता हूँ आपका ईश्वर को भी नहीं मानते। बात बिल्कुल व्यर्थ थी, एकदम बच्चों की सी हुई जो भूपति बाबू को भी खटक रही। सतीश ने भूपति के तमतमाते हुए चेहरे पर एक तीक्ष्ण दृष्टि डाली और फिर उपेंद्र के मुख की ओर देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। बोला, भैया इस बार भूपति बाबू कुशलतापूर्व लक्ष्य पर पहुंच गए हैं। मेरे जैसे 10-12 कुत्ते भी अब इनके पास नहीं पटक सकते। भूपति की ओर देखकर बोला, शाबाश भूपति बाबू शाबाश, चोर चोर के खेल में दौड़ा न जाए तो गूही छू लेना ही चाहिए। इस तीखे व्यंगवानों की चोट से जलकर भूपति उठ खड़े हुए। उपेंद्र ने उनका हाथ पकड़ लिया, कहा, भूपति तुम जरा ठहरो, मैं भी इसे ठीक करता हूँ। क्या रे सतीश, गूही छूना है, लक्ष्य पर पहुँचना, इस सब बातों का क्या अर्थ है? वास्तव में तेरी आदत जैसी संगीत है उससे यह संदेह होना बिल्कुल स्वाभाविक है कि तू ईश्वर तक को भी नहीं मानता। सतीश ने आश्चर्य का नाट्य देखते हुए कहा, हाय रे मेरा भाग्य, मैं ईश्वर को नहीं मानता, अवश्य मानता हूँ। आधी रात को जब नाटक थिएटर के अखाड़े से अवकाश पाकर घर लौटता हूँ तो मुझे शमशान के पास से होकर आना पड़ता है, कहीं कोई आदमी नहीं रहता। उससे शून्य शमशान को पार करते समय मेरा भय के मारे छाती का खून जम सा जाता है। तुम भले आदमियों को इसका क्या पता, हंसते हो भैया, भूत प्रेत मानता हूँ और ईश्वर नहीं, भला यह संभव है? उसकी बातों से क्रुद्ध भूपति हंस पड़े। बोले, सतीश बाबू क्या भूत से डरने का अर्थ ईश्वर को स्वीकार करना है? क्या आपकी दृष्टि में दोनों बातें एक ही हैं? सतीश ने कहा, बिल्कुल एक, पास पास रख दीजिए तो पहचान न पड़े, केवल मेरे लिए नहीं आपके लिए भी, उपेंद्र भैया के लिए भी और शास्त्रकार है उनके लिए भी यह बात। हाँ, जो दोनों में से किसी एक को भी ना माने तो उसका कहना ही क्या, लेकिन जहाँ एक को मान लिया तो सब फिर पिंड छुड़ाना कठिन हो जाएगा। मानने के बाद जान नहीं बचती, दुख में संकट में विपदा में आपदा में कई और से सोचकर देखा है, भाषण भी बहुत सुना है, पर जो अंधकार पहले था वही आज भी है। छोटा सा निराकर बाह मानो या हाथ पैरों वाले 33 करोड़ देवता मानो, चाहे कुछ भी करो, एक के मानते ही दूसरे भी आ उपस्थित होते हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो जब एक को खींचा तो सबके सब कड़ियाँ खींच आएगी, स्वर्ग नर्क आ जाएगा, अमर आत्मा भी आ जाएगी, फिर तुम शमशान के उपदेवताओं को धोखा दे कैसे दोगे? काली घाट के कंगालों में से एक को चुपके से कुछ देकर क्या तुम अपना पिंड और छुड़ा सकते हो? पल भर में अनगिनत भिखारी आकर घेर लेंगे,
ऐसे हालत में आप ही बताइए, भूत से डरूं और ईश्वर को ना मानूं, क्या यह कभी संभव है भूपति बाबू? यह कहते हुए उसने ऐसा मुंह बनाया कि उसे देखकर सबके सब ठहाकर हंस पड़े। कुछ दूर पर खड़े दो छोटे छोटे बच्चे भी जोर से हंस पड़े। रविवार की उदास भी की दोपहर इन सबकी हंसी से गूंज उठी। उपेंद्र स्त्री सुराबल द्वारा भेजा हुआ नौकर दूर खड़ा होकर इतनी देर से अपने आप ही बड़बड़ा रहा था, मुंह फेर कर मुस्काने लगा। कलह के जो बादल घिर आए थे इस हास्य की आंधी में वे ऐसे उड़े कि उनका पता ही ना चला। सबके सब बातों में इतने रत हो गए कि किसी को पता ही नहीं चला कि दोपहर कब बीत गई। उधर घर में नौकर दाइयों ने मारे भूखे प्यासे बहुत देर तक कुड़बुड़ाते रहने के बाद अब चिल पो मचानी शुरू कर दी। रसोईया महाराज तो अब ऐसे नौकरी को छोड़ आज ही कहीं जाने की घोषणा कर रहे थे। तो दोस्तों पार्ट वन यहीं तक रहने देते हैं। जो मेरे पास PDF है ना वो थोड़ा बहुत पुराना है और इसके बहुत सारे वर्ड्स ना थोड़े मीठे हुए हैं, तो ना थोड़ा पढ़ने में कठिनाई होती है, इसलिए थोड़ा बीच में रुक जाते हैं, तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं आप लोगों से। मेरा टोन भी ना ऐसा पढ़ के ना ऐसा ही हो जाएगा, फिर हम ऐसे ही बात करने लगेंगे, अच्छा लगता है लेकिन ये भाषा भी। चलिए आपको भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा अच्छा लगता है हमको पढ़ के, और देखते हैं क्या रीच मिलती है इसको, फिर लाएंगे दूसरा चैप्टर। बाय बाय, गुड नाइट। हाँ रात में रिकॉर्डिंग कर रहे, 1 बज रहा है अभी।